out that Sergio Aguero was not supposed to be born. तो हुआ ऐसे था, जब उनके मामा 6.5 months pregnant थे, उस time पे her water broke और उस time इतने floods आ रखे थे in the area that they were living in that everything was destroyed and she was taken to the hospital जो कि काफी दूर था. तो हॉस्पिटल में जब वो गए, शी हैड टू लाइक स्टे देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 months जब तक कि उनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबलाइज ना हो जाए और बच्चे को बचा पाएं, थोड़े मंथ और पेट में रख पाएं. तो तब तक के लिए शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड सो दैट दे कुड सेव द लाइफ ऑफ द बेबी एंड शी सक्सेसफुली मैनेज्ड टू डू दैट. बट द स्टोरी डजंट एंड हियर, क्योंकि जब डिलीवरी होनी थी, उनकी ड्यू डेट थी, उस टाइम पे अग्वेरो की जो पोजीशन थी व्हाइल ही वाज इन द वूम ऑफ हिज मदर वो टेढ़ी हो गई थी. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम आउट ऑफ द वूम. तो क्या हुआ था, यू नॉट बिलीव दिस, कि इतना पेन था एंड शी वॉन्टेड द बेबी टू बी फिट एंड फाइन. बट डॉक्टर ने बोला दैट अगर उनको नहीं निकाला बेबी को, मतलब सर्जियो अग्वेरो को, सो कुछ भी हो सकता है. तो यू विल बी रियली सरप्राइज टू नो दैट द ओनली सॉल्यूशन वॉज जो बेबी सर्जियो अग्वेरो हैं, उनका कॉलर बोन तोड़ना पड़ना था एंड फिर उनको बाहर निकालना था. ओनली देन दैट द बेबी एंड द मदर कुड सर्वाइव. एंड पहले तो उनके मामा बिल्कुल अग्री नहीं किए कि नहीं इसमें कोई हार्म आ जाएगा बेबी को, ऑब्वियसली एनीबडी वुड बी स्केयर्ड, बट दैट वाज द ओनली ऑप्शन. एंड थैंक गॉड एवरीथिंग वेंट फाइन एंड द स्टोरी डजंट एंड हियर, बिकॉज द डॉक्टर आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी ही सेड द चाइल्ड इज बॉर्न विद ब्रेड अंडर हिज आर्म. इट मीन्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक to the family. And oh boy, the doctor was on point on this one, because we all know what Sergio Aguero did. If there is one thing about Aguero जो हम हमेशा से notice करते हैं या देखा है, वो है उनका nickname जो उनकी shirt पे हमेशा देखने को मिलता है, वो है Kun Aguero. Now why is there a Kun when it is Sergio Aguero? इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी childhood की प्यारी सी कहानी है. तो हुआ ये था, बचपन में Aguero को एक anime शो का बहुत शौक था देखने का. I think Japanese शो था ये, जिसका नाम है वन पाकू अमुकाशी कुमु कुमु. तो उसमें कैरेक्टर का नाम था कुमकुम, आई थिंक दैट इज हाउ इट्स प्रोनाउंस. तो Aguero के ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत रिजेम्बलेंस लगता था Aguero में और वो जो कैरेक्टर था कुमकुम उसमें. तो उसके बाद से Aguero को निकनेम दे दिया गया कुन बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स. Aguero के राइट आर्म के इनसाइड में इधर एक इंस्क्रिप्शन है जो कि टेंगवार लैंग्वेज में, ना व्हाट लैंग्वेज इज दैट, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में यूज किया गया था एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय J.R.R. Tolkien. तो ये जो लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो लैटिन स्क्रिप्ट में अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो है कुन Aguero. तो इमेजिन उनको किस हद तक ये एनीमे पसंद था कुमकुम, जिस कैरेक्टर से उनका नाम पढ़ा. तो उन्होंने वहीं से, वो इधर भी इंस्क्राइब्ड है और उनके शर्ट पे भी पीछे कुन Aguero था, तो इतना उनको ये एनीमे पसंद था. नाउ आई थिंक वी ऑल नो दैट Aguero वाज मैरिड टू गियानीना मैराडोना. तो शी इज द डॉटर ऑफ डिएगो मैराडोना. तो उनसे उनकी शादी हुई थी बट 2012 में डाइवोर्स हो गया. एंड ऑल्सो दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सन नेम्ड बेंजामिन. अभी थोड़े से और फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं Aguero के बारे में. He was one of the foremost strikers of the 21st century. He has 16 hat-tricks with Manchester City. 16. He has averaged a goal every 107.9 minutes. Now, no one has a better minute per goal record than Aguero. He has won 17 trophies, 15 of which came during his 10-year stay at City. जिसमें कि 5 प्रीमियर लीग टाइटल्स हैं, एफए कप है, 6 लीग कप्स है. ही हैज आल्सो स्कोर्ड 379 गोल्स इन 663 गेम्स एंड हैज हैड 118 असिस्ट. ही अराइव्ड एट बार्सिलोना फ्री ट्रांसफर फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी एंड प्लेड ऑलमोस्ट 5-6 गेम्स फॉर बार्सिलोना, बट देन वाज डायग्नोस्ड विद कार्डियक अरिथमिया व्हिच इज द इररेगुलर हार्ट बीट एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैज टू रिटायर फ्रॉम फुटबॉल. नाउ दिस इज रियली रियली सैड, बट आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू Sergio Aguero एंड एवरीथिंग दैट, ऑल द मोमेंट्स दैट ही हैज गिवन अस, स्पेशली that goal against QPR when Manchester City won their maiden title. He actually gave City the first title since 1968. He announced his retirement at a press conference in the presence of Barca's club president Pep Guardiola and also the director of football at the Etihad Stadium. In him, the football had one of the best titles that ever won. I wish that it didn't have to end that way, but let's just hope for the best and he gets well soon. That is the only thing that matters.